हाय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो। रूपमणि असांग यूट्यूब पे आप लोग का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी 5:20 हो रहे हैं। तो ये देखिए, अभी शाम का टाइम हो चुका है। तो मैं सब्जी बनाने के लिए आ गई हूँ। ये ली हूँ आलू, और ये है टमाटर, ये धनिया का पत्ता, ये अदरक और लहसुन है, मिर्ची है, इधर प्याज है। सारे कुछ काट ली हूँ। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अभी गैस जलाई नहीं हूँ, गैस जलाऊँगी, उसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी फटाफट से। तो ये देखिए, गैस चालू कर दी हूँ। अभी गर्म होगा कढ़ाई, उसके बाद तेल तेल डालूँगी। इधर मैं दूध भी चढ़ा दी हूँ उबलने के लिए। तो ये देखिए, इधर मेरा बर्तन भी रखा हुआ है। अभी मली नहीं हूँ, सुबह का बर्तन है। दोपहर खाना पीना खाए, उसके बाद सब अभी सारा कुछ निकाल करके जो भी बचा खुचा था उसके बाद रख दी हूँ उसमें सारा कुछ। तो अभी सारे बर्तन मज लूँगी। इधर सब्जी को पहले छौंक देती हूँ, इधर सब्जी को अभी छौंक लेती हूँ, उसके बाद सारे बर्तन मांज लूँगी फटाफट से, फिर आटा सान के रोटी बनाऊँगी। तो ये देखिए, कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ। अभी थोड़ा सा गर्म तेल हो जाएगा, उसके बाद मैं जीरा डालूँगी इसमें। तो ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डाल दी हूँ। जीरा थोड़ा सा पक जाएगा, सुनहरा हो जाएगा। ये देखिए क्या है, चिड़िया रानी मर गई है, अंतरिक्ष खेल रहा है नीचे। ये देखिए, छोटी सी चिड़िया है, मर गई है, कहाँ से आकर के गिर गया है। क्या बोलो। तो देखिए, जीरा भी पक चुका है, इसके बाद मैं इसमें मिर्ची डालूंगी। मिर्ची के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डाली, उसके बाद प्याज डाली। तो ये देखिए, प्याज भी सुनहरा हो चुका है, इसमें मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर डाल दी, थोड़ा सा टमाटर को पकाऊंगी, उसके बाद इसमें आलू डालूंगी। तो ये बड़े बड़े पीस हैं मेरे आलू के, इसके छोटे छोटे पीस बना लेती हूँ फटाफट से। ये देखिए, छोटे छोटे पीस बना लेती हूँ इसके। तो देख रहे हैं, इसी तरह से सारे पीस, सारे को, सारे आलू को पीस पीस काट लूंगी फटाफट से। तो ये देखिए, सारे आलू को पीस पीस बना लेंगे। तो ये देखिए, टमाटर सुनहरा हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालती हूँ, इसको चलाऊंगी। जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में मेरा दूध भी गिर गया। ये देखिए, इसको पोंछ ली हूँ, इसको हटा दी हूँ, पूरा दूध गिर गया। अब इसमें मैं आलू डाल दूंगी। बहुत कोशिश करती हूँ अच्छा वीडियो बनाने की, और कोशिश मेरी जारी है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इतना अच्छा वीडियो बनाती हूँ मैं, अपना फेस नहीं दिखा सकती। बाकी बात तो सारी चीज़
जितना भी काम करती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों से, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। उसके बाद इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, तो ये देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ, इसको थोड़ा सा चला लूँगी। तो ये देखिए सारे मसाले भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए जीरा पाउडर, इसमें जीरा पाउडर डालूँगी भी, तो थोड़ा सा जीरा पाउडर, और ये देखिए मिर्च का पाउडर है, ये भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा सा डाल दी। ये देखिए धनिया का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देती हूँ। ये चिली पाउडर है, थोड़ा सा चिली पाउडर भी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी, तीखा हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें सारे मसाले ऐड कर दी हूँ, इसको थोड़ा अभी ढक दूँगी, पकाऊँगी ढक के, उसके बाद में इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, और धनिया का पत्ता भी काट के रखी हूँ, बाद में ऐड करूँगी। तो अभी थोड़ा सा इसको ढक देती हूँ, मसाला थोड़ा सा पकेगा इसमें। तो जब तक मेरी सब्जी बन के रेडी होती है तब तक उधर बर्तन भी माँज लेती हूँ। तो देख सकते हो बीच बीच में सब्जी भी चलाना पड़ता, नहीं तो जल जाता है। तो थोड़ा सा चला लेती हूँ, इसको ढक देती हूँ फिर से। तो ये देखिए फटाफट से बर्तन भी माँज ली हूँ, ये देखिए सारा बर्तन माँज ली हूँ, एक ही बच्चा है सिर्फ, इसको भी धो लेती हूँ। तो ये देखिए सब्जी मेरी तो लगभग में हो ही चुकी है, तो इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, तो चला लूँगी। मैं वीडियो बनाती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, इसलिए दिल टूट जाता है। दिल करता है कि वीडियो बनाई हूँ, नहीं बनाऊँ वीडियो, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ कोशिश करती हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊँ, बनाती भी हूँ, लेकिन कोई ना लाइक करता, ना सब्सक्राइब करता है, ना कमेंट करता है, ना वीडियो को शेयर करता है। तो प्लीज़ 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 आप लोगों से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। भाई एवं बहनों, माता एवं बड़े बुजुर्गों, सभी से निवेदन है। तो ये देखिए धनिया का पत्ता रहा, इसमें धनिया का पत्ता भी ऐड कर देती हूँ, वो भी चला लेती हूँ ऊपर से। अब इसको ढक देती हूँ। तो ये देखिए फटाफट से आटा गूंथ लेती हूँ, तो ये देखिए मेरा सब्जी बनके रेडी हो चुका है, कितना सुंदर बना है। तो अभी गैस को बंद कर देती हूँ, इसको ढक देती हूँ, नहीं तो इसका स्वाद उड़ जाएगा। तो ये देखिए इधर आटा सान रही हूँ, लगभग मैं हो ही चुका है, थोड़ा सा इसमें मुक्की दूंगी, उसके बाद हो जाएगा। तो देख सकते हैं आटा भी गूंथनी और फटाफट रोटी बनाऊँ। तो ये देखिए गुनी काट के मैं रख लेती हूँ, उसके बाद आसानी होती है बनाने में, तो फटाफट से उसके बाद बेल लेती हूँ। तो तवा भी चढ़ा दी हूँ, फटाफट से रोटी में बनाऊँगी। तो ये देखिए बेलूँगी मैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है किचन में लग रहा है, जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ रोटी। तो ये देखिए रोटी बेल ली हूँ, ये देखिए मेरी रोटी, अब तवे पे डालूंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है किचन में, पंखा भी नहीं है, बाप रे बाप, इतना ज़्यादा गर्मी लगता है बता नहीं सकती आप लोग को। तो फटाफट से रोटी बना लूँगी ना, उसके बाद पंखा में जाके बैठ जाऊंगे। तो ये देखिए रोटी दे दी हूँ तावे पे,
तो ये देखिए रोटी बन रही है, फुला रही हूँ। सवेरे बनाई थी ना आलू भर के रोटी, तो इसीलिए तेल का तवा है तो फूल नहीं रहा है रोटी अभी, इस वजह से। आप लोग बताना, मैं कैमरे से बनाती हूँ वीडियो, तो ज़्यादा देर रखती हूँ तो कैमरा बंद हो जाता है, तो कैसे बनाओ वीडियो आप लोग ज़रूर बताना। तो ये देखिए रोटी, ये वाली कितनी सुंदर फूल के हो गई तैयार। तो देख सकते हो उतना सा रोटी बनाई हूँ, उतना अभी बचा है और बेल रही फटाफट। तो रोटी भी इतना बन चुकी है, सब्जी भी बन के रेडी हो गई। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, आप लोग देखते नहीं हो, तो मैं इतना मेहनत करती हूँ, आप लोग देखते नहीं हो। बाय बाय, टाटा।